कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक करीब एक घंटे चली। इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक शुरू हुई। वहीं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को ही सरकारी दस्तावेज बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस की है और भगवान का आशीर्वाद हमको मिला है। और आपको पता है जब राहुल गांधी जी पहली बार गोविंद देव जी के यहाँ गए थे उसी दिन तय हो गया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज, जन घोषणा पत्र तो सरकारी दस्तावेज बनेगा, ये सब जानते हैं कि इसलिए बनेगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है। अब आज क्या होगा, जन घोषणा पत्र लागू होगा क्या होगा, वो मुख्यमंत्री जी के एजेंडे तय पहले ही करेंगे। वह बार पत्र पड़ती है, घोषणा पत्र में था, माननीय राहुल जी ने घोषणा की थी कि 10 दिन में माफ कर देंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने वो वादा पूरा कर दिया, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया है। अब उसको बारीकी से देख रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरे जितने भी बैंक है, 2 लाख तक के डिफॉल्टर जो काश्तकार है उनके माफ किए जाएंगे। ऑफिशियली तो एक तरह का इंट्रोडक्टरी वो थी और बाकी सब चीजें रघु शर्मा जी बताएंगे। हाँ, घोषणा पत्र, हाँ, पिछले 2 दफ़े के तरह इस दफ़े भी आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो जन घोषणा पत्र था, जो राजस्थान के 2 लाख नागरिकों के सुझाव के आधार पर बना था, उसको उन्होंने सरकारी चीफ सेक्रेटरी महोदय को सौंप कर सरकारी दस्तावेज बनाया है। उसके लिए मैं जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और उसके अनुरूप ही आने वाले समय के अंदर 5 वर्ष के अंदर जो घोषणा पत्र के अंदर जो बातें हैं उसके अनुरूप ही फैसले होंगे, ये बात तय हुई है। उसके लिए मैं तय दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जो शिक्षा विभाग में 5 साल में गड़बड़ घोटाला किया, जो भारतीय भवन से पर्चियाँ आ करके जिस तरीके से शिक्षा का बंटाधार किया है उसकी समीक्षा की जा रही है। तमाम मुद्दों के ऊपर, चाहे साइकिल का कलर पोतने की बात हो, चाहे पाठ्यक्रम की बात हो, उन सब पे विभागीय टिप्पणियां मंगाई जा रही हैं। और उसके बाद में जो उचित होगा वो मुख्यमंत्री जी के साथ में एक रोड मैप के साथ में मिलकर के और उचित निर्णय लिया जाएगा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता हमारे मैनिफेस्टो को अक्षर अक्षर पालन करना, और उसी का हमने आज फैसला लिया। हमें अपने मैनिफेस्टो के आधार पे जनता को लाभान्वित करना। जयपुर में रघु शर्मा और बीडी कल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां रघु शर्मा और बीडी कल्ला ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि कैबिनेट बैठक में भावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया। वहीं शिक्षक कर्मियों की समस्याओं के लिए एक कमेटी का गठन करने पर भी चर्चा की गई। साथ ही रघु शर्मा ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि मंत्री रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक जयपुर में जन सुनवाई करेंगे और जन समस्याओं की जानकारी लेने के साथ साथ मंत्री उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जवाबदेही प्रशासन, संवेदनशील प्रशासन और खास तौर से जो फैसले लिए गए उसके बारे में विस्तार से रघु शर्मा जी बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपसे ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव घोषणा पत्र मुख्य सचिव के हाथों में सौंपा और ये कहा कि हमारा ये दस्तावेज है जिसको द्रुत गति से पूरा करना है। और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार सारे विभाग काम करेंगे और ये हमारा नीतिगत दस्तावेज होगा जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसकी क्रियान्विधि के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया और मुख्य रूप से सबसे पहले अंबेडकर यूनिवर्सिटी और हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती शासन में जब अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे उस समय शुरू किए गए थे, उसको पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था, उसको तत्काल शुरू करने का निर्णय लिया गया। अब ये दोनों विश्वविद्यालय पुनः, जो हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, इनको तत्काल राज्य सरकार शुरू करेगी। सरकार के मुख्य सचिव को आज सौंपकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ये जन घोषणा पत्र राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज होगा जिस पे हम 5 साल काम करेंगे और इसकी क्रियान्विति समयबद्ध
तरीके से और तत्परता के साथ की जाएगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडल की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे मंत्रिमंडल ने अधिकृत किया है। दो विश्वविद्यालय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय और श्री हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय पिछली हमारी सरकार के दौरान हमारे द्वारा शुरू किए गए थे, उनको निवर्तमान सरकार ने बंद कर दिया। हमारी सरकार ने आज फैसला किया है कि दोनों विश्वविद्यालय फिर से प्रारंभ किए जाएंगे और इनके कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। हमने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे, सत्ता के विकेंद्रीकरण में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत चुनाव में जो शैक्षणिक योग्यता की बाधा निवर्तमान सरकार ने नियम बनाया था, न केवल पंचायती राज संस्थाओं में बल्कि स्थानीय निकाय में भी, उस बाधा को आज मंत्रिमंडल ने हटा दिया।